हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो पे हम कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम तो ये जानते हैं कि हमारा सबसे मतलब कोई भी ह्यूमन बॉडी, कोई भी एक मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या है, तो वो न्यूरॉन होता है, या तो फिर जिसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। बट क्या आप सच में ये कितना मैक्सिमम कितना लंबा तक हो सकता है, कितना इसका लंबाई हो सकता है, इसके बारे में आपको पता है? अगर पहले से आप जानते हो उसके बारे में तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि हाँ ये फैक्ट मुझे पहले से पता था। अगर नहीं तो फिर आप जानिए कि इस वीडियो में क्या है। देखिए, जो न्यूरॉन्स होता है, जैसे कि नॉर्मली क्वेश्चन ये सकता है कि कोई इंसानी शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सा है, तो आंसर होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वह सबसे लंबा कोशिका होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि यह मैक्सिमम कितना लंबा हो सकता है? तो देखिए, एडल्ट्स में यह मैक्सिमम 1.5 मीटर तक हो सकता है। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली पूछा जाए कि कितना लंबा हो सकता है, तो 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक ये नॉर्मली ये देखा जाता है। लेकिन कब बहुत ही रेयर केस में ये 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता है, यानी एक छोटे कद के इंसान के बराबर ये एक कोशिका है, इतना लंबा एक कोशिका हो सकता है। चलिए, इस फैक्ट्स के बारे में अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट करके बताइए, उससे इसके बाद हम एक न्यू फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी के अंदर भी कोशिका है, तो वे कोशिका जब डेड हो जाते हैं, मतलब कोशिका सब मर जाता है, तो उसका क्या होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि बॉडी के अंदर जो कोशिका हो क्या होता है, या तो फिर जो कोशिका मर जाता है बॉडी में वो क्या होता है? देखिए, जैसे आपका जो स्किन है, आप स्किन में जब पसीना हो जाएगा, या तो फिर नॉर्मली ऐसे बहुत ज़्यादा इसको इस तरह करोगे, नाखून से ऐसे करोगे, तो एक गंदगी बैठता है, ब्लैक काला टाइप का, जानते हो वो जो मैला है काला रंग का, वो एक्चुअली में क्या है? वो बाहर का कोई गंदगी नहीं है, बाहर जो धूल जो इतना उड़ रहा है, डस्ट उड़ रहा है, ये सब कुछ भी नहीं होता है, वो हमारा बॉडी का ही डेड सेल होता है, यानी मरा हुआ कोशिका होता है। इस तरह आप बॉडी में जहाँ भी ऐसे ऐसे करोगे और नाखून में इस तरह जो उठ जाता है, काला काला बैठ जाता है, वह हमारे बॉडी के अंदर मृत कोशिका होता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही न्यू जानकारी जानने के लिए या तो फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।